खुशपुर पैरिश से बाबू विक्टर सलवातर का आप सबको सलाम 19 जुलाई 2022 हज़ार मंगल हमारे लिए आज की पाक अंजील की तलावत बामताबक मुताबक मुक़दसमती बारहवें बाब की छियालीसवीं आयत से पचासवीं आयत तक जब वो हजूम से बातें कर रहा था तो देखो उसकी माँ और भाई बाहर खड़े थे और उससे बात करना चाहते थे तब किसी ने उससे कहा कि देख तेरी माँ और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बात करना चाहते हैं लेकिन उसने जवाब में खबर देने वाले से कहा कौन है मेरी माँ और कौन है मेरे भाई और अपना हाथ अपने शागिर्दों की तरफ बढ़ा कर कहा कि देखो मेरी माँ और मेरे भाई क्योंकि जो कोई मेरे बाप की जो आसमान पर है मर्जी पर चलता है मेरा भाई और बहन और माँ वही है पाक अंजील के वसीले से हम सब के गुना मुआफ़ किए जाएँ आई मसी तेरी सताइश हो आमीन बाप और बेटे और हल्कुद के नाम में आमिन वसी खुदावन में मेरे अज़ीज़ मोमिन आज की तलावतें हमें खुदावन के अहकाम पर अमल करने की दावत देती हैं कि खुदा जो है वो हम सब को बचाता और हम सब की निगाहानी करता है आज की पहली तलावत मीका नबी की किताब में सिली गई है इब्रानी जबान में मीका के मानी है कौन है खुदा की मानित तो मीका नबी ऐलान करता है कि इसराइल के खुदा से बढ़कर कुदरत वाला कोई नहीं मीका यरूशलेम और सामरिया में उन लोगों पर नबूवत करता है जो खुदा की प्रस्िश करने की बजाय मबूदों की प्रस्िश करते और अपनी दौलत के ज़ोर पर गरीबों को लूटते और उन पर म करते हैं खुदा उन्हें सजा देगा मीका नबी मसीह की पैदाइश की जगह की पेशन गोई करता है नज़ के अलमसी लोगों को उनके दुखों से रहा देगा और आज की तलावत में मीका नबी की मार्फ़त हमने सुना कि खुदा जो है वो अपने लोगों पर करम फरमा है वो हमेशा अपने लोगों पर रहम करता है और उनकी बदकारी को माफ़ करता और अपनी मराज के बकिया के गनाहों से दरगुजर करेगा वो अपना गज़ब हमेशा तक नहीं रख छोड़ता क्योंकि वो नहाद शफ़ीक मेहरबान खुदा है रहम को पसंद करता है वो एक बार फिर हम पर रहम फरमाएगा और हमारी बदकारी को पमाल करेगा और हमारी तमाम खुदाओं को समुंदर की तह में फेंक देगा आज की पाकंजील में खुदाम यु जब एक बहुत बड़े हजूम से बातें करता है तो वहाँ पे किसी ने आके कहा कि देखो उसकी माँ और भाई बाहर खड़े थे और उससे बात करना चाहते थे तब किसी ने उससे कहा कि देख तेरी माँ और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बात करना चाहते हैं लेकिन उसने जवाब में ख़बर देने वाले से कहा कौन है मेरी माँ और कौन है मेरे भाई और अपना हाथ और अपना हाथ अपने शगर्दों की तरफ बढ़ा कर कहा कि देखो मेरी माँ और मेरे भाई क्योंकि जो कोई मेरे बाप की जो आसमान पर है मर्ज़ी पर चलता है मेरा भाई और बहन और माँ वही है मेरे जीजो भाई इब्रानी और अक्सर मशरक़ी ज़बानों के तर्ज़ कलाम के मुताबिक ना फ़क्त एक ही माँ बाप की ओलाद बल्कि चाचा मामू, खाला और पप्पू की ओलाद या उनके फर्जान भी भाई कहलाते हैं इसी तरह यकूब यूसफ़ और और यहूदाशमा हमारे खुदा के भाई समझे जाते थे जबकि वो मुकदसा मरियम से पैदा नहीं हुए थे बल्कि वो उसके करीबी अजीज या रिश्दार थे खुदा यसुम मसीह मुकदसा मरियम से इकलौता बेटा है वो इकलौता भी है और पहलोठा भी है उसके सिवा और कोई बेटी और बेटा नहीं है तो आज की तलावतों के मुताबिक हमें ये बताया गया है कि हम सबको खुदा के फरमान की तब करनी है उसके हुक्मों पर मानना है और क्योंकि हम सब यसु मसीह के बहन भाई हैं यसु मसीह में उसकी इसरार बदन के अजा हैं और खुदा ये सुनती चाहता है कि हम हमेशा अपने इलाही उस्ताद के कवान पर जो वो हमें देता है उनके मुताबिक चलने की कोशिश करें और हमेशा उसकी ताबेदारी करें क्योंकि जब हम खुदावन के कहने के मुताबिक अमल करते हैं खुदावन के कहने के मुताबिक चलते हैं तो खुदा हमें बड़ी बरकत देता है पा कलाम इस बात की शहादत देता है कि जब वो अपने शागिदों के पास आता है जब वो पूरी रात तबारिया की झील में जाल डालते रहे और उनको कोई मछली नहीं मिली कोई मछली ना पकड़ सके तो जब खुदावन आया यसुमसी ने कहा कि कश्ती की दानी तरफ जाल डालो तो उन्होंने यसुमसी से कोई जवाब या कोई सवाल पेश नहीं किया कि हम सारी रात मेहनत करते रहे बल्कि उन्होंने कुछ नहीं पूछा और ना कहा बल्कि उसके कहने के मुताबिक जाल डाला तो पा कलाम में हम पढ़ते और सुनते और सीखते हैं एक सौ तिरपन बड़ी मछलियाँ जो हैं उस जाल में आ, आ जाती हैं तो मेरे जिस् जब हम खुदावन के फरमान की तबेदारी करते हैं उसके इलाही कवानीन के मुताबिक चलते और उसकी आवाज़ के आवाज़ को सुनकर अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो फिर खुदा में सरफराज करता है खुदा में बरकत देता है और फिर कामयाबी और कामरानी हमारा मुकद्दर बन जाती है तो आज की दोनों तलाफतों में ख़ुदा हमें सिखाना चाहता है कि खुदा जो मेहरबान है जो बचाने वाला है चुड़ाने वाला है बहाल करने वाला है जो हर तरह से हमारी फ़िक्र करता है जो हर तरह से हमें बहाल रखना चाहता है और अपने साथ देखना चाहता है हम सबको हमेशा की ज़िंदगी देना चाहता है इसलिए वो बार बार हमें मौक़े फ़रम करता है बार बार वो हमें अपने पास आने की दावत देता है और ये फजल बख्शता है कि हम उसकी कुर्बत में रहें और उसके अला कवानीन को सीखें उसके पाकलाम को पढ़ें और उसे समझें और फिर उसके मुताबिक चलने की कोशिश करें ताकि हम भी ख़ुदा के हकीकी शागिर्द होते हुए उसके इलाही कवानी के मुताबिक चलें ताकि हम उसकी खुशनुदी और उसकी रसाई को हासिल करें और हमेशा की जिंदगानी का इनाम हमारा मुकदर बने और हम हमेशा ख़ुद उनके साथ रहने के लिए अपने आप को तैयार करें खुदा खुदा हम सबको बरकत दे ताकि हम आज के पाक कलाम के मुताबिक अमल पैरा होकर बहुत सफल लाएँ बसी हमारे खुदा के वसीले से आमीन